हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अंकार मेरा है। नाम अली रजा। महाभारत महाभारत हम देख रहे थे लास्ट में। शीशपुर जो था वो बहुत ही घटिया किस्म की बातें कर रहा था और सब उसको मतलब कुछ कह ही नहीं रहे। जो भी उसको कुछ कहता है उसको ही अटैक करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि हमें भी अजीब लग रहा था। अभी 142 एपिसोड है तो देखें। हाँ यार, प्ले करो भाई। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है। क्या महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सकता था? फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, वासुदेव को पथमार्ग प्राप्त हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, तो फिर आप क्यों व्यर्थ प्रताप कर रहे हैं? तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भेष? तुम एक नपुंसक जो ठहरे। अपने राजकुमारों के लिए कन्याएं चुराने तक का कार्य किया है तुमने। दादा शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? तुम्हारे 100 केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहां पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। अरे मौन रहो दुष्ट। दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहां पर सब जानते हैं। वृंदावन में जो एक टांग पर खड़े होकर बांसुरी बजा बजा कर रासलीला रचाते थे, क्या नहीं जानते हम? राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ था, फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए? भूल गए? तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। मौन हो जाओ शिशुपाल, अपने अपराध के मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली भांति जानता हूं भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हें प्रथम आज्ञा क्यों प्राप्त हो रहा है। ये भी तुम्हारे लंपटपन का ही प्रमाण है। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। शको नहीं बोले ना, मैं सुनना चाहता हूँ उसको क्या बोलेगा। ये कहते हो ना तुम उसे सखी? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? हम सब जानते हैं क्या संबंध है तुम्हारे और
अपराधी वर्ष की दवा पाई। मौन होने का समय आ गया शिशुपाल। तुम्हारी आत्मा का कल्याण। ये किस प्रकार का धर्म है भ्राता युधिष्ठिर? किसी अतिथि का इस प्रकार वध करना किस प्रकार से उचित माना जा सकता है? क्या चक्रवर्ती सम्राट बनकर आप समग्र आर्यवर्त में इस प्रकार से धर्म की स्थापना करने वाले हैं? शांत हो जाओ भ्राता दुर्योधन। युवराज शिशुपाल ने पितामह का, वासुदेव का, हमारे पिता का अपमान किया, मेरी सत्ता को अस्वीकार किया, अंत में कुरुकुल वधु रुक्मणी तथा महारानी द्रौपदी का अपमान किया। उसे जो दंड मिलना उचित था वही मिला। भ्राता युधिष्ठिर, दंड कभी अपराध से अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में दंड सदा ही अपराध से मात्रा में कम होता है। अपमान का दंड अपमान हो सकता है, मृत्यु दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? पाप और अपराध का एक विश्व चक्र होता है युवराज। अपराधी को यदि अपराध करने से ना रोका जाए तो वो अधिक से अधिक अपराध करता चला जाता है, अपनी आत्मा को अधिक से अधिक दरिद्र करता चला जाता है, उसे स्वयं पर अंकुश नहीं होता। अपराध का कारण ना होते हुए भी वो अपराध से छूट नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, दया। और आप शिशुपाल की व्यर्थ चिंता मत कीजिए, वो तो केवल अपने विषचक्र से छूटा है। हमें मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिए वासुदेव कृष्ण। आपने दंड के नाम पर प्रतिशोध लिया है और इस यज्ञ को आपने दूषित किया है। मेरे बच्चे, वासुदेव उचित कह रहे हैं। बैठ जाओ। शांत रहिए मामाश्री। युवराज शिशुपाल मेरे मित्र थे। हमने परस्पर एक दूसरे के रक्षण का प्रण लिया था। यदि मैं आज इसकी मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा तो मेरे क्षत्रिय होने पर लांछन लगेगा मामाश्री। वासुदेव कृष्ण
मैं तुम्हें द्वंद युद्ध का आह्वान देता हूं। ये पागल हो गया है क्या यार? ये अभी इसके सामने एक का अंजाम इसने खुद देखा है कि जिसने कृष्णा जी को मतलब गलत बोला, उसका गला कट गया और पता ही नहीं चला, और ये फिर भी मतलब कृष्णा जी को चैलेंज कर रहा है यार, गलत कर रहा है तुम्हें। बाकी ये आज पता चला कि भाई मतलब कृष्णा जी अब तक इस वजह से खामोश थे, कृष्णा जी ने वचन दिया था, और वचन तो हर कोई निभाता है, ये हमने सीख लिया है कि महाभारत में वचन को सब मतलब अच्छे से निभाते हैं, और कृष्णा जी वचन में बंधे थे, इस वजह से उस कुत्ते की बातें सुन रहे थे। बाकी जैसे ही उसका 100वां गलती पूरी हुई तो गला कट गया। बहुत अच्छा लगा भाई, दुर्योधन बहुत अभी ज़्यादा बोल रहा है। दुर्योधन कमीना अभी उठकर भाई उसका पक्ष ले रहा है कि मेरा दोस्त था, हमने वचन लिया था एक दूसरे की सहायता करेंगे। भाई अभी तुम कृष्णा जी को भाई चैलेंज कर रहे हो तो भाई क्या होगा? अभी अभी देखा भाई, जैसे 100 पंख पूरे हुए तो भाई इसका गला कट गया, पता ही नहीं चला। तो आप तो भाई अभी वो देखकर अंजाम फिर भी उसको कृष्णा जी को चैलेंज दे रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। चलो उसको भी ऐसी सजा मिल जाए, दंड मिल जाए तो हम खुश हो जाए। मामा श्री तो बोल रहा है बेटा बैठ जाओ, मूर्खता मत करो। मामा तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, ये मेरे पर लांछन लगेगा झूठ वाला, मैं अपने ही साथी का साथ नहीं दूंगा, अभी तो मरेगा, मैं तो कहूँ अभी जान छूट जाए इस मूर्खता की।